अरे अमात बोट पासन।
बात तो ये मुझे बता दीजिएगा दोबारा कि आपने Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes. Okay. Oh no, okay, okay. यार मैम ने नहीं आना आज सर जी जनाब हेलो फरमाए सामा तेरे पास तो आईफोन है तू ये मीटिंग लीव कर दे तेरी बैटरी खत्म हो जाएगी मैम आएंगी तो बता दूंगा तेरा कोई मतलब है कि मेरी बैटरी लो हो या ना हो तूने मेरा फोन चार्ज करना होता है सामा अहमद की बात हो रही है भैया आपको किसने कहा क्यों नहीं दिखा रहा
मैं दिखाऊं, देखेंगे कैसे ये। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, आप लोग सुन सकते हैं मुझे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आ रही है ना आवाज आपको? एक्चुअली कुछ ना टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से जो है वो देर भी होगी, और दूसरा ये है कि अभी भी वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इसके अंदर ना टाइपिंग का कोई मसला है, जो इसकी वो है, टाइपिंग नहीं हो रही, इसमें फंस रही है ये। वो मैं मार्कर लाती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। माय नेम इज डॉक्टर सना एंड आई कंप्लीटेड माय एमफिल इन इम्यूनोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और यहाँ पर मुझे फार्माकोलॉजी का कहा है कि लेक्चर लेने। आपने पहले फार्माकोलॉजी के बेसिक्स सब ने पढ़े हुए? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हमने जो आज पढ़ रहे हैं वो जी आई टी की ड्रग्स है। एनी आइडिया कि जी आई टी क्या चीज़ है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ज़रा इसका कैमरा भी ठीक कर अच्छा, जी आई टी बेसिकली इस पे ओरल कैविटी से लेकर आपका एसोफेगस, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक सब आ जाता है, अप टिल आपका रेक्टम, एनस, जहाँ से फूड एंटर होती है ओरल कैविटी से और एक्सक्रीट आउट होती है, वहाँ सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, अब ड्रग्स दैट आर रिलेटेड टू जी आई टी, उसमें ऐसी ड्रग्स जो कि जी आई टी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे वॉमिटिंग होती है, डोजिया होता है, और इसके अलावा अल्सर्स, स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा होगी तो पेप्टिक अल्सर्स, फिर वो ड्यूडिनल अल्सर्स भी वही का, एसिडिटी ज़्यादा होगी ड्यूडिनल अल्सर्स कॉज कर देगा, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे डायरिया के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव देंगे। तो हमारे पास आज जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे वो है स्टमक की एसिडिटी को जो ड्रग्स रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। हमारा जो स्टमक है वो उसकी एसिडिक एनवायरनमेंट होती है, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं वो डाइजेस्ट करता है स्टमक और फिर प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एच पेलोराई है जो वहाँ पर कॉलोनाइज कर देता है, वहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता है उस एसिडिक एनवायरनमेंट को, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए भी हम ड्रग्स लेते हैं ताकि वो वहाँ पर जो है उसको ख़त्म किया जाए बैक्टीरिया को। उसके अलावा ये है कि हमारे पास पांच ड्रग्स होती है इसकी बेसिकली जो ये काज करती है। एक मिनट, आप लोग की स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की? मैम इस टाइम 56 है। 76 अच्छा, अच्छा फाइव ड्रग्स वो जो अफेक्ट करती है हमारे ड्रग्स अफेक्टिंग जी आई स्क्रीशंस, यानी जो पेप्टिक अल्सर्स हो गया, ड्यूडिनल अल्सर्स हो गया, इनके अंदर जो ड्रग्स लेंगे। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट अफेक्ट द गैस्ट्रिक एसिड स्क्रीशंस एंड आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, कौन कौन सी वो ड्रग्स है?
आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम यस मैम आ रहा है यस मैम देख रहे हैं मिस्टर बी हिस्टोबीच ये हार्मोन होता है और ये जाकर हमारे स्टमक की पहले तो देखें कि तीन तरह के सेल्स जो है ज्यादातर एक जी सेल्स एक पेराइटल सेल्स और एक चीफ सेल्स ये जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो हिस्टोबीन रिसेप्टर्स के ऊपर होते हैं पेराइटल सेल्स के ऊपर ठीक है ये स्टमक के सेल्स है जिनके ऊपर जो है वो हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामिन हार्मोन है हिस्टामिन जाकर हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और इनकरेज करता है एचसीएल को कि वो ज्यादा प्रोड्यूस हो तो इसलिए कि वो ना प्रोड्यूस हो हम हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंटागोनिस्ट यूज करते हैं ये हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देते हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होने देते हिस्टामिन रिसेप्टर्स साथ ये ब्लॉक कर देते हैं उस बाइंडिंग को खुद जाकर बाइंड होते हैं तो इसकी वजह से जो है वो फिर हिस्टामिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता और हिस्टामिन जो है वो क्या करता है कि वो आपकी प्रोडक्शन करता है इसकी एचसीएल की हेल्प आउट करता है उसमें पॉजिटिव इफेक्ट होता है एचसीएल ज्यादा करता है इसलिए हम ये ड्रग यूज करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स उसके अलावा और दूसरी होती है ये नंबर वन है दूसरी है एंट एसिड्स मैम बोर्ड नजर नहीं आ रहा मैम आपके पास स्लाइड्स नहीं बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा मैम नजर आ रहा है लेकिन वो ऊपर से नजर आ रहा है मैम बस वही लिखा हुआ आ रहा है मैम बस पैटर्न सेंस का अच्छी होता है सिस्टम मैम अब ज्यादा नीचे हो गया अब यस मैम कुछ क्लियर है अब मैम आपके पास स्लाइड्स नहीं है ऊपर करके लिख दूं फिर मैं आपको अच्छा एक तो हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है दूसरी एंट एसिड्स है एंट एसिड्स जो है ना ये वीक बेसिस है जो कि एसिड निकलता जाएगा और ये उसको न्यूट्रलाइज करती रहेंगी ताकि एसिडिक इन्वायरमेंट हजम ये वीक बेसिस है और इसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और ये सारे आ जाते हैं ये जो है फिर जो है इनको जो स्टमक है उसको कोशिश करते हैं कि उस वहाँ एल्कलाइन इन्वायरमेंट हो जाए उसको पीएच को इंक्रीज कर देते हैं तीसरा हमारे पास है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो स्टमक होता है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटॉन पंप लगे हुए होते हैं उनका काम ये होता है कि प्रोटॉन को पंप करते हैं यानी एच पॉजिटिव आइंस जो है उनको रिलीज करते हैं और क्लोरीन आइंस रिलीज होते हैं मिलके एचसीएल बना देते हैं तो जो प्रोटॉन पंप है वो एचसीएल को इनकरेज करता है कि एचसीएल ज्यादा से ज्यादा बने उसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं ऐसी प्रोटीन्स जो फॉस्फोरिलेट कर देती है वहां पर बाइंड हो जाती है ताकि ये काम अपना ना करे और एचसीएल की प्रोडक्शन कम से कम हो कोई क्लियर है अभी तक थोड़ा बहुत कुछ यस मैम जी मैम क्लियर है अच्छा उसके अलावा एक आते हैं म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स नंबर थ्री है स्टमक के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनमें से इनर मोस्ट लेयर जो है वो म्यूकोसा है जो म्यूकस सेक्रीशन करेगी जब म्यूकस ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट कम होती जाएगी तो म्यूकस जो कुछ जब एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा हो जाती है
तो उससे क्या होता है कि वो म्यूकस म्यूकोजा के ऊपर वहां पर इंजरी कर देता है। तो ये हम कुछ म्यूकस म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, ये देते हैं उसके ऊपर, ये जाकर वहां कोटिंग कर देते हैं ताकि अगर कोई डैमेज हो गया है तो मजीद डैमेज ना हो, और जो डैमेज हो चुका है उसकी हीलिंग हो जाए। तो म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स ये काम करते हैं, इसका मतलब कि म्यूकोजा लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। जो है वो हार्मोन है, और ये जो है ये इसका भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, यानी ये HCL को प्रोड्यूस नहीं होने देता। तो हम ऐसी ड्रग्स यूज करते हैं एनालॉग्स जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह काम करती है और वहां पर जाकर जो है वो HCL प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, HCL की प्रोडक्शन नहीं होने देती। मैम ये फोर्थ वन ड्रग का नाम क्या बताया आपने? ये मेरे ख्याल में फाइव हो गए, एक तो हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, दूसरा एंटासिड्स है, तीसरा जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मैंने बता दिया, लिखा नहीं है मैम, लिखा होगा म्यूकोजल के ऊपर, म्यूकोजल प्रोटेक्शन के ऊपर मैम, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जी ये लिखा हुआ है। आपका HCL की प्रोडक्शन को, तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जिनका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा वो इफेक्ट काज करती है। अच्छा, हमारे सेल्स जो है वो चीफ सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं और जी सेल्स होते हैं। जी सेल्स जो है ये गैस्ट्रिक प्रोडक्शन करते हैं, जी सेल्स, पेराइटल सेल्स। मैडम बोर्ड नजर नहीं आ रहा आपका, ये वाला जो लिख रही हैं आप साइड पे लिख रही हैं, बोर्ड नहीं नजर आ रहा। मैम ये फ्रंट से रेस कर दें, जी सेल्स जो है नजर आ रहा मैम, थोड़ा सा नीचे लिखे या फिर कैमरा ऊपर कर, बस गुजारा हो जाएगा मैम। यस मैम, जो आपने हेडिंग लिखी है वो बता दें, गुजारा हो जाएगा। मैम प्लीज नेक्स्ट क्लास में स्लाइड्स यूज कर लें। पावर पॉइंट पर बनी हुई है तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है, तो यहाँ भी वो स्लाइड्स टाइपिंग भी हो रही थी। फिर उन्होंने मैंने कहा कि अब लेक्चर तो जा रहा है तो एटलीस्ट आपको कुछ वैसे पे आपको मेल कर दूंगी, और लेक्चर भी नेक्स्ट टाइम जब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ ना समझ आए, कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर मैं वो आपकी इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगी। जी सेल्स जो ये गैस्ट्रीन प्रोड्यूस करते हैं, जो गैस्ट्रीन है ये भी हेल्प आउट करता है HCL की प्रोडक्शन में, पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका भी HCL के ऊपर। जो पेराइटल सेल्स है स्टमक के, ये भी HCL प्रोडक्शन कर रहे हैं। और तीसरा जो चीफ सेल्स है ये पेप्सिनो जेल बनाते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन बनाता है, पेप्सिन जो है ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट करता है, ये पेप्सिन प्रोडक्शन करता है। ये सारे जो एनकरेज कर रहे हैं, सिर्फ आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि डिस्करेज करता है, एसिडिक प्रोडक्शन नहीं होने देता। इसका बी जो है वो भी पेराइटल सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी इनकरेज करते हैं एसिडिक की प्रोडक्शन को। तो ये जो ड्रग्स है बेसिकली ये GIT ड्रग्स है, जो कि GIT में एसिडिक एनवायरनमेंट को स्टमक में कम करती है।
अच्छा अब इसका जो सबसे पहले एच टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है इसमें सिबेक्टाडीन आ जाती है रेडिक्टाडीन आ जाती है फॉर्माटाइडीन आ जाती है और डेज़र्टाडीन आ जाती है ये ड्रग्स के नाम है ठीक है मैम क्या हेडिंग दी आपने ऊपर नजर नहीं आ रहा नहीं नजर आ रहा अब आ रहा है नो मैम नीचे हो गया ये नजर आ रहा ठीक है मैम ये ठीक है मैम ठीक है एच टू रिसेप्टर्स था ना ऊपर मैम एक स्टूडेंट के पास स्लाइड्स हैं तो हम शेयर कर ले शेयर आप लोग आपस में मैम वो एज अ होस्ट आप मुझे ऑप्शन दे दें एक मिनट मेरे को कैसे उस पे लगा दे या फिर आपको ऑप्शन बता दे एक यही
अच्छा फिर आप जब आगे पीछे कैमरा करते हैं तो फिर फोटोज नहीं आता फिर जो लिखती हूँ उनको शेयर के ऑप्शन देने के रूप में कर ले एक्सक्यूज मी मैम ऑडियो करो जरा जी बोले अब कैमरा आगे पीछे तो कर दे वीडियो ऑन कर तो नजर भी आता तो फायदा नहीं शेयर हो रहा आपको बोर्ड वगैरह नजर आ रहा है कुछ यस मैम लेकिन मैम क्लियर नहीं है आप नजर आ रहा है मैम ये H2 रिसेप्टर की टाइप है टाइडेंस H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स उसकी एग्जांपल्स है ये या ड्रग्स आई की रिबिटाडीन लिखा होता है जैसे सिबिटाडीन होती है और रेरिटाडीन होती है ये सारी ड्रग्स है ये मैं आपको लिख देती हूं भेजा जो बड़ी इसकी ड्रग है वो सिबिटाडीन है अच्छा इसमें ये एग्जांपल देती है ठीक है इसमें ये जो सबिटा नीड है रेडिटा नीड है और कोबर्टा नीड है ये सारी चैनल इनका लिवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है ठीक है इसलिए जो अगर हेपेटिक डिसफंक्शन है तो उसमें ये ड्रग्स नहीं देते बाकी इसके इससे लिखा हुआ है कि ये मैं एक्चुअली जब दोबारा लेक्चर लूंगी मैं उससे भी डिस्कस कर लेते अगर बस 10 मिनट क्योंकि यही चल रहा है सब तो टाइम क्यों हो रहा है लेक्चर का टाइम तो खत्म हो गया अच्छा इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है ये ड्रग्स जो है ये उसमें एलर्जिक पेशेंट्स को नहीं देते जिनको नॉन एलर्जी है एलर्जी हो जाएगी दूसरा प्रेगनेंसी में ही नहीं देते क्योंकि ये प्लेसेंटा वो पास कर देते हैं फीटस तक जाता है और तीसरा लैक्टेटिक मदर्स को ये नहीं देते ड्रग्स क्योंकि बेस में आ जाता है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसके अलावा मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही
फास्ट लेट ही आ रही है? यस मैम बहुत स्लो है। अच्छा कॉन्ट्रा इंडिकेशन एलर्जी, एलर्जी भी नहीं देते, प्रेगनेंसी भी नहीं देते क्योंकि प्लेसेंटा को पास कर जाता है, और लैक्टेटिंग मदर से तो उनको नहीं देते ये। सिर्फ ये जो एक ड्रग बताई है फोर्थ वन निज़ेप्टेडिन, ये जो है ये अगर हिपेटिक डिसफंक्शन है किसी में तो उसमें हम दे सकते हैं क्योंकि इसका लिवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म नहीं होता। बाकी सारी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होगी लिवर के थ्रू। अच्छा अब अगर कोई ऐसी ड्रग्स आप दे रहे हैं जैसे एंटी कोएगुलेंट्स दे रहे हैं, कोई फिनोटाइड, एंटी डिप्रेसेंट्स, कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं तो ये ड्रग्स जो है उनके साथ इंटरेक्शन होगा, इन ड्रग्स का उनकी इफेक्टिवनेस को कम कर देगी या वो इफेक्ट करेंगे उसकी इफेक्टिवनेस को। ये सेफ ड्रग्स है इसके लिए, इसके इसी वजह से इनको ना इनके लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए होती है जब ये ड्रग्स लेते हैं, जैसे ब्रूफीड वगैरह होती है, पैरासीटामोल होती है, वो सेफ ड्रग्स है, उनके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए होता है डॉक्टर का, इसलिए ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स। मेडिसिन दैट आर सेफ और जिनको हम ले सकते हैं वो ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर। तो ये ड्रग्स जो है ओवर द काउंटर है। बाकी इसके अंदर एट एसिड्स का भी मैंने बताया था कि एट एसिड्स जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एट एसिड्स ड्रग्स जो है ये वीक बेसिस है जो न्यूट्रलाइज कर रही है, एसिड को ये अफेक्ट नहीं कर रही उसकी प्रोडक्शन को, लेकिन जब एसिड आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करती जा रही है। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट ये कि इसके अगर हम भी ज्यादा दे देंगे एट एसिड्स ड्रग्स जो वीक बेसिस थी, तो ये ब्लड के अंदर एल्कलोसिस कर देगा, यानी वहां पर इसकी बाउंस ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा ये कि इसमें जो होता है ना रिबाउंडिंग एसिड डोसेस हो जाता है, यानी जब इसका हमने एक दफा ड्रग दी एसिड, जब इसको डिसकॉन्टिन्यू करेंगे तो ये दोबारा से जो है वो एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरमेंट फिर से बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको बस इतना ही बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैं स्लाइड इसकी लगा के तो फिर एक दफा दोबारा से समराइज कर लेंगे इसको भी। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन वो भी क्योंकि नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मैं भी उनसे कहती हूँ कि एक दफा दोबारा इसको और करे सिस्टम को जरा टेक्स्ट टाइम जरा फिर, वैसे मैं आपको लेक्चर ये भेज दूंगी थोड़ा सा जो पढ़ाया है अपना। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मैम आप हमें लेक्चर सेंड कर दीजिएगा फिर हम रीड करके फिर कोई क्वेरी होगी तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ आप कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से रिपीट कर लेंगे चीजें, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर योर, आप लोगों ने वेट किया इतनी देर, बट कोई बात नहीं मैम, नॉट आउट नहीं हुआ आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज मैम। मेरा
लेक्चर एंड हो गया।